सो आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे सोशल ग्रुप या सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनीबीज। हनीबीज के अंदर कैसे सामाजिक संगठन पाया जाता है, मतलब कैसे ये लोग मिलजुल के अपना काम करते हैं, कैसे रहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है, तो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। देखिए जो हनीबीज होती है ना, इनमें हाई लेवल का क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें बहुत हाई लेवल का क्या होता है, सामाजिक संगठन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, हनीबीज के अंदर। अब हनीबीज होता है ना, ये आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा फाइलम होता है, मतलब आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा ग्रुप है या बोले तो फाइलम है। और इसकी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। हनीबी के क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है हनीबी, और इसकी जो क्लास है वो क्या हो जाती है, इंसेक्टा हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा साइंटिफिक नेम देख लेते हैं कि हनीबी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका होता है एपिडाई कोर्बिक्युलेटा। क्या होता है, एपिडाई कोर्बिक्युलेटा, इसका क्या है साइंटिफिक नेम हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको तीन भागों के अंदर, मतलब इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको तीन कास्ट के अंदर क्या बांटा गया, डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक आ जाती है क्वीन, एक आ जाता है ड्रोन, एक आ जाते हैं वर्कर्स। तो तीन भागों के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, अपने काम को बांट रखा है। तो देखते हैं किसका काम क्या रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वीन। तो क्वीन होती है ना, वो पूरी जो मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी होती है ना, उसमें एकमात्र ऐसी फीमेल होती है जो क्या होती है, फर्टाइल होती है। क्वीन ही क्या है, एकमात्र ऐसी फर्टाइल है जो क्या होती है, एकमात्र ऐसी फीमेल होती है जो क्या होती है, फर्टाइल होती है। और जो क्वीन होती है इसके पास में क्या होता है, इसके पास स्मॉल आई होती है, ब्रेन होता है इसका, और ब्रॉड थोरेक्स इसमें प्रेजेंट होता है। दे हैव स्मॉल आई, ब्रेन, ब्रॉड थोरेक्स, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्वीन में होते हैं। और जो क्वीन होती है इसमें क्या हो जाती है, इसकी जो ओवरी होती है ना, वो डेवलप्ड ओवरी प्रेजेंट होती है। और ये मतलब साइज में क्या होती है, लार्जर होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एग लेइंग का काम करती है, एग लेइंग का काम। इसके बाद में जो इसकी जो क्यून होती है वो खाने में क्या खाती है, ये खाने में खाती है रॉयल जेली। जो एक क्यून होती है ना, वो खाने में क्या खाएगी, रॉयल जेली खाएगी। और इसका जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पेन कितनी होती है इसकी, 5 से लेके 8 साल तक क्या होती है, जिंदा रहती है। और ये एक बार में सिर्फ, मतलब मेटिंग ओनली वन टाइम, एक ही बार क्या कर सकती है, मेटिंग कर सकती है, मेट होती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि ये कितने एग्स होती है, वो एक दिन में दे सकती है, कितने अंडे देती है, तो 1500 से लेके 2000 तक के ये अंडे एक बार में क्या करती है, लेइंग करने का काम करती है। और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती रहती है। ये तो अपन ने पढ़ लिया क्यून के बारे में। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन को क्या बोला जाता है, पूरी कॉलोनी का किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है। इसके पास क्या होता है, दे हैव लार्ज होलो ऑप्टिक आई, इसके पास में लार्ज होलो ऑप्टिक आई प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, ये अदर जो वर्कर्स होते हैं उससे क्या होता है, लार्जर होता है। कौन, ड्रोन की बात कर रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं। और ये एकमात्र क्या होता है, फर्टाइल मेल होता है, ओनली एकमात्र फर्टाइल मेल होता है। और ये फर्टाइल क्या करता है, जो वर्जिन क्वीन होती है उसको क्या करता है, फर्टाइल करने का काम करता है। और ये पूरा का पूरा हनी के लिए किस पे डिपेंड रहता है, शहद के लिए किस पे डिपेंड रहता है, वर्कर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। और अदर जो, मतलब अदर जो भी मेल होते हैं इसके अंदर, उनके अंदर सबसे वेल डेवलप इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मतलब और भी जितने जो भी रहते हैं वर्कर्स रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो किसकी डेवलप रहती है, ड्रोन की रहती है। और ये कितने दिन तक जिंदा रहता है, लाइव रहता है, ये 5 से लेके 6 वीक तक ही क्या रहता है, मतलब ये लाइव रहता है। और जैसे ही आफ्टर क्या होता है, कोपुलेशन के दौरान क्या हो जाता है, इसकी डाई हो जाती है। मतलब जब ये मेटिंग करता है तो मेटिंग करने के बाद में क्या होता है, ये मर जाता है, इसकी डाई हो जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं वर्कर्स की, भाई वर्कर्स का क्या फंक्शन रहने वाला है। तो वर्कर्स क्या होते हैं, इनमें नॉन रिप्रोडक्टिव फीमेल्स होती हैं। वर्कर्स कौन होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है। इनके पास क्या होता है, दे हैव लार्जर एंड लेटरल कंपाउंड आई इनमें प्रेजेंट होती है। और स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, उड़ने के लिए क्या होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं। इसके साथ में इसके पास में क्या होता है, पावरफुल स्ट्रिंग होता है, डंक होता है पावरफुल, जो इनको डिफेंस करता है। क्या करता है, इनको जो भी सामने से जो शत्रु वगैरह आते हैं उनसे क्या करता है, उनको डिफेंस करने का काम करता है। और ये क्या बनाती है, ये वेक्स, इनके पास में क्या होता है, वेक्स ग्लैंड होती है एंड स्लाइवरी ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होती है। और ये हनी को क्या करती है, बनाती है, सेक करने का काम करती है। और ये साइज में क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है। और इनकी लाइफ की बात करें तो कितने दिन तक जिंदा रहती है, तो ये 6 वीक तक जिंदा रहती है। तो ये थी हनी बीज के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कि कैसे ये कैसे मिलजुल के ये काम करते हैं। तो ऐसे ही अपन सबको भी क्या है, मिलजुल के रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।